शिक्षा भर्ती 2018 के अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं और नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। धरने के दौरान आज उन्होंने एक अनूठा प्रदर्शन कर राज्य सरकार और आयोग के सामने अपनी बेबसी जताई। किसी ने खिलौने की दुकान लगाई तो किसी अभ्यर्थी ने रोड पर फल सब्जी की दुकान लगाई तो कोई फावड़ा लेकर मजदूरी करने लगा। इन अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से जल नियुक्ति की मांग की, साथ ही आगे आर पार की लड़ाई लड़ने की चेतावनी भी दी है। होने के बावजूद भी हम लोगों को आज सब्जी ही बेचनी पड़ रही है। हम फिफ्थ क्लास के बाद भी ये बेच सकते थे और अपना पेट का गुजारा कर सकते थे, इवन अपनी फैमिली का गुजारा भी कर सकते थे। तो क्यों आरपीएससी तक ये जू नहीं रेंग रही, क्यों मंत्रियों तक ये जू नहीं रेंग रही, क्यों हम यहाँ खड़े होने के लिए मजबूर है, क्यों हमारा धरना 22 दिन से लगातार चल रहा है, क्यों? हम सिर्फ जवाब चाहते हैं, हम नियुक्ति चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। अपने आप सिस्टम को चेंज करो और